और इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित पालित भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त ट्विटर पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम नेता इस बड़े ऐलान के बाद प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अमित, बताइए अभी तक किसने क्या कहा? तो शुरुआत हम राहुल गांधी से करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी रही है जिसने इसका विरोध किया था, कृषि कानून का। तो राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ यह जीत मुबारक हो, जय हिंद किसान। और उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है। तो सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि मैं किसान आंदोलन में शहादत देने वाले सभी किसानों को नमन करता हूँ, ये उनके बलिदान की जीत है, अशोक गहलोत का ये कहना है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल, गांधी आंदोलन के एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है, केंद्र सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेने पर वादे करने के लिए देश के किसानों को बधाई, ये किसानों की नहीं अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। और राकेश टिकैत का तो आपने पढ़ा ही था कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा और सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करेगी। लेकिन अच्छा कि आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एमएसपी के लिए शायद एक कमेटी बनाई जा रही है और ये कमेटी तय करेगी कि आखिरकार किस तरह से एमएसपी को और कितना प्रभाव ढंग से जमीन पर उतारा जा सकता है। मीनाक्षी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।